इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा विनोद नहीं है, कथा मजा का साधन नहीं है, कथा केवल लोक यात्रा नहीं है, लोक रंजन नहीं है, कथा लोक परलोक दोनों का रंजन करा देती। लोक भी संहारेगी कथा और परलोक भी संहारेगी। आज एक कार्यक्रम में मैं गया तो मेरे से किसी ने पूछा कि कैसी अनुभूति आपको कथा गा के होती है। देखो आप, मेरे को नहीं आपको भी होगी, भगवान के भजन में जो रम गया उसकी और मेरी अनुभूति सम हो जाएगी। जो रमा, विभीषण जी ने केवल राम राम ही तो सुमिरन किया, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। इस सज्जन है जो रमता रहेगा, जो गाता रहेगा, जो स्मरण करता रहेगा, उसके जीवन में और स्वभाव में किसी बात का व्यवहार का अभाव नहीं रहेगा। वो पुष्ट हो जाएगा, जो गाएगा पुष्ट हो जाएगा, हर प्रकार से पुष्ट हो जाएगा। अविश्वास रखो, राम भजन करने वाला कभी अपुष्ट नहीं रहे। राम भक्त संतुष्ट रहता है और पुष्ट रहता है। विभीषण को अभय भर दे किया लंकेश, पल भर में उन्हीं का कर नहीं गुणगान, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। करे रहो, आप सब घर में भगवान का दिव्य स्वरूप अर्चा विग्रह हो, भजे रहो, करे रहो, पूजा किए रहो, गाए रहो। आप देखो, गाते गाते जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राम जी की कृपा की जो अनुभूति करे उस पर भी कृपा है, न अनुभूति करे उस पर भी कृपा है। हाँ, बरस रही है। राम जी क्या नहीं कर देते, जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य। धन्य ऐसे सावर्तवाल मेरे प्रभु, उनका जो स्मरण करता है वो धन्य धन्य। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग हरि रंग रहे। पते नहीं चलता है हो, माँ के प्रश्न बड़े मधुर हैं, कौन राम, अयोध्या वाले कोई और। बाबा थोड़ा आवेशित भय, लेकिन इसके पहले बाबा ने मंगलाचरण किया, बंदूं बार रूप सोईरा सब सिद्धि सोला जपत जी सुना मंगल भव अमंगल प्रणाम।
सकल लोक जग पावनी कथा भवन मंगलाचरण किया, तत्पश्चात माँ भगवती की प्रशंसा करते हुए बोले, धन्य है हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। क्यों धन्य है? भगवान की कथा जो पूछे, गाने की रचना बना दे, वो जीव धन्य। भगवान के बारे में कोई पूछता नहीं हो, सत्संग में तो कोई पूछता ही नहीं। आदमी मिलता है तो या तो आपसे जगत के व्यवहार के बारे में पूछेगा अथवा अपनी बताएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। आप अपनी बताओ, मैंने तो आपने कहा और मैंने सुना। जीव भगवान के बारे में कहां पूछता है? इसलिए बाबा ने मां को धन्यवाद ज्ञापित किया। क्यों? पूछे हो रघुपति कथा प्रसन्न सकल लोक जग जो कथा सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र करती है, आपने वह कथा पूछी। इसलिए आप धन्य हैं हे गिरिराज पुत्री, आपके प्रश्न सहज हैं। आपका ये प्रश्न है कि भगवान जो अयोध्या में आए, निर्गुण से सगुण क्यों भय? मां के 14 प्रश्न हैं। देवी, निर्गुण सगुण दो नहीं है, दोनों एक है। जल निर्गुण स्वरूप है और बर्फ सगुण स्वरूप है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं निराकार को मानता हूं, मैं तो साकार मानता ही नहीं, सगुण उपासना मानता ही नहीं, मैं तो निर्गुण उपासक हूं। अच्छी बात है। प्रसन्नता की बात यह है कि हम उपासक हैं, चाहे निर्गुण के चाहे सगुण के। इतना बाबा ने समझाया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। मुनि पुराण वेद ऐसा कहते हैं, गाते हैं। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार हो जाता है। कब? भक्तों के प्रेम का दर्शन पाकर। जैसे जीव का स्वभाव है वैसे भगवान का स्वभाव। हम आप कहां जाते हैं? जहां हमारा आपका प्रेम होता है, जिसके प्रति हमारा आपका प्रेम नहीं है, सामने होता उससे बात नहीं करते, मिलते भी नहीं। निर्गुण भगवान केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सो हुई, दोनों एक है। जैसे जल और बर्फ एक है,
वैसे सगुण निर्गुण दोनों एक है। भगत को भेद नहीं मानना, निर्गुण वालों को निर्गुण मानने दो आप, सगुण वालों को सगुण मानने। हम तो इस पर चर्चा करते नहीं, हम उदासीन है। आप जो हो सो रहो, जो भगत है साधक है उसको साधक रहने दो। हम हमारी प्रशंसा प्रवंचना के रूप में क्यों करते हैं? आप जानते हैं हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, इसमें आप कैसे भी कुछ भी कहां क्यों क्या करिए, सनातन धर्मी है, हमारी बाध्यता नहीं। कई लोग परेशान रहते हैं, उनके धर्म में ये है उनके धर्म में वो है, इनका उनका छोड़िए, अपने धर्म में क्या है, अपना व्यवहार क्या है वो जाना जाए। सनातन धर्म में आप पूजा करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो बुरी बात नहीं। चलो शिव जी को मानो, हनुमान जी को मानो, दुर्गा जी को मानो, काली जी को मानो, राम जी को मानो, लक्ष्मी जी को मानो, नारायण जी को मानो, अरे जिसको मानना है मानो, तुम कुछ न मानो कोई टेंशन नहीं, हम कुछ नहीं मानते, अच्छी बात है। आप अपने साझा अवस्था में रहो। मानने न मानने से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई अंतर व्यवहार का नहीं है। मानो तो भला, नहीं मानो तो भला। प्रेमी रहो तो भला, उदासीन रहो तो भला, कैसे भी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।